राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 4 से 15 अक्टूबर के बीच तारीखों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि दिसंबर में नई सरकार बननी है और अमूमन चुनाव से 30 से 45 दिन पहले आचार संहिता लगती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अक्टूबर के मध्य में आचार संहिता लग जाएगी, यानी अब सरकार के पास, पार्टियों के पास जनता से जुड़ने और वादा पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुख्यमंत्री गहलोत की कई घोषणाएं अधूरी हैं, जिनके बारे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। बाकायदा चुनाव के ऐलान को लेकर एक मीटिंग भी हुई। आचार संहिता से पहले 21 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 4 अक्टूबर तक अंतिम रूप से मतदाता सूचियां जारी कर दी जाएंगी। पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव आचार संहिता 6 अक्टूबर 2018 को लागू हो गई थी। इस बार 15 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। इलेक्शन की घोषणा के लिए आयोग 3 से 4 तारीखों पर भी विचार कर चुका है। उनमें से कोई एक तारीख अंतिम रूप से तय कर ली जाएगी। जब भी आचार संहिता लागू होती है तो सारे नई योजनाओं की घोषणा, उद्घाटन और सरकारी काम थम जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं जो सरकार के कानों तक पहुंच रहे हैं, और इन सवालों का जवाब सरकार को जल्द ही देने होंगे। ये सवाल है, क्या आचार संहिता लगने से बेरोजगारों का नौकरी का इंतजार अधूरा रह जाएगा? 2.5 लाख शिक्षकों के तबादले पर लगा बैन नहीं हटेगा? क्या महिलाओं के लिए घोषित फ्री मोबाइल स्कीम अटक जाएगी? नए बनने वाले प्रस्तावित जिलों का क्या होगा? बोर्ड निगम में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, उनका क्या होगा? इन सवालों के साथ अब तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राजस्थान में किस पार्टी से कौन कौन से नेता छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और इस दौरान सचिन, हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा की भूमिका क्या रहेगी। लेकिन ये तय है कि अब वक्त ज्यादा नहीं है किसी भी पार्टी के पास जनता को अपने पाले में करने के लिए।